सेकेंडरी स्कूल स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ सेक्टर 12 से उसके पॉइंट 14% में 4 पे आते हैं। फैक्टराइज जो आपने क्लास 8 में भी किए हैं तो 12x उसका 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, और बीच में क्या लिखा हुआ 7, तो 7 के ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस करें तो क्या है 7। तो 12 किस किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, लेकिन 2 6 या 12, 2 और 6 को प्लस करें तो कितना आ रहा है 8, यानी कि नहीं आएगा। 3 4 12, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3x, एक्स माइनस 1, यहाँ कॉमन 1, तो ये एक जैसा हो गया दोनों में, और बाकी ठीक है। इस तरह से इसको करेंगे 3 2 6, ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस करें तो 7 आए, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 6, तो 6 1 6। इन दोनों में कॉमन क्या है ओनली एक्स, इन दोनों में कॉमन क्या है 3, ये एक जैसा हो गया। अगर आपका ही सेम नहीं है इसका मतलब आप कहीं पर गलती कर रहे हैं, ठीक है। 6 6 36, ऐसे पेयर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करो तो 36 आए, प्लस करो तो क्या है, माइनस करो तो क्या है 5, ठीक है। अब 35 किसके टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 4 9 36, तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 3, और इन दोनों में कॉमन, ये एक जैसा हो गया, इसको एक बार लिखेंगे और ये एक बार, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 4 इसका आपका होमवर्क है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जो लास्ट का जो होता है ना न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि 2, आपको इस 2 के अकॉर्डिंगली इसके फैक्टर देखना है, यानी कि 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 1 2 2 2 4। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं, पहले आप x इज इक्वल टू 1 रख के देखेंगे, फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 रख के देखो, फिर x इज इक्वल टू 2 रखो, फिर माइनस 2 रखो, ऐसे रखो, जब जहाँ पर इस पूरे px की वैल्यू 0 हो जाए ना, वो इसका क्या है फैक्टर है। देखो ट्राई करते हैं, पहले 1 रखते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ओनली आपको एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से वैल्यू रखनी है, उसके बाद वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, डायरेक्ट प्रोसेस करूँगी, ओके। देखो पहले आपने जैसे कि यहाँ पे 2 है, ओके, तो हम क्या लिखेंगे कि आपको जो हम ऑल द फैक्टर्स ऑफ 2, ठीक है। अब आप पहले P1 रख के देखो, P1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पर 1, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, देखो ये कट गया, 0 आ गया। अब आपके P1 पे ही वैल्यू जब 0 आ गई है तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर P1 आपका 0 हो गया, इसका मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ओके। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसमें से हमको इस तरह से कॉलम बनाने हैं कि आपका x माइनस 1 कॉमन रहे, क्या कॉमन रहे, x माइनस 1, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस एक्स क्यूब, इस 2x² को आप 2x² में डिवाइड कर दीजिए, माइनस x² माइनस x², ठीक है। फिर इस जो आपका x है इसको भी आपको ऐसे ही करना है, इसको आप कैसे करोगे, प्लस एक्स माइनस 2x, माइनस एक्स ही आएगा प्लस 2। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन क्या आएगा x², तो क्या बचा x माइनस 1, यहाँ बचा क्या कॉमन आया माइनस एक्स, तो क्या बचा x माइनस 1, यहाँ कॉमन क्या है 2, तो क्या बचा x माइनस 1। अब तीनों में x माइनस 1 कॉमन, तो अब हमारे पास x माइनस 1 अगर आप बाहर लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x² माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था ना, वैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं,
तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो 2 1 2, तो क्या करेंगे इसको, माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2, ठीक है, इसमें से कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 कॉमन क्या आया, x माइनस 2, और यहाँ बच जाएगा x माइनस x प्लस 1, ये आपका आंसर, ठीक है। अब इसके सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, इसमें देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको फैक्टर 5 के देखने हैं, याद रखना जो लास्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके फैक्टर देखने होते हैं। तो आपको पी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब ऑल द फैक्टर्स ऑफ माइनस 5 आर कौन कौन से होंगे, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5, ठीक है। अगर हम बाई ट्रायल करेंगे, अब मैं आपको ट्राई करके नहीं दिखाऊंगी, ट्रायल पी माइनस 1 रखने पर, एक्स की वैल्यू माइनस 1 रखने पर आपका पी एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो पी एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ओके। अब आपको ये जो आपको पी एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इसको आपको इस तरह से रखना है कि आपकी जो वैल्यू आए वो क्या आनी चाहिए, बीच में कॉमन नंबर आपका x प्लस 1 आना चाहिए। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप क्या करोगे, ये माइनस का 3x² है तो आप इसको क्या करोगे, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 4x², ठीक है। यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस का 4x और माइनस का 5x, तो ये 9x होगा और ये एज इट इज रहेगा माइनस 4। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन ले लो x², तो x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, माइनस का 4x, तो क्या बचा, x प्लस 1। यहाँ कॉमन क्या आएगा, माइनस का 5, तो क्या बचेगा, x प्लस 1, ओके। अब ये आपका जो कॉमन नंबर है इसको हम एक साथ रखेंगे, अब इसको तो हम फैक्टर से निकाल सकते हैं, x² माइनस के 5x प्लस का 1x कॉमन लेंगे, x प्लस 1 और x माइनस 5, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। और इसके थर्ड x³ प्लस 13x² प्लस 32x एंड 20, अब आपको किसके फैक्टर करने पड़ेंगे, 20 के फैक्टर, याद रखो। तो क्या लिखेंगे, ऑल द फैक्टर्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 20। अब बाई ट्रायल करेंगे तो हम जब हम पी माइनस 1 रखेंगे तभी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। दैट मीन्स x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, आपको x प्लस 1 निकालना है ना, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1x² प्लस 12x², ठीक है। अब इसमें भी आपको x प्लस 1 निकालना है तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे 12x रख दो, अब यहाँ पे क्या 32 में क्या बच के रहेगा, 20x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 20। अब इन लोगों में इनमें से कॉमन ले लो, x
ये जो एक जैसा आया है इसको एक साथ रखो, और बाकी जो बचा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इसको एक साथ रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे, प्लस करें तो 12 आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या है 20, तो 10 टू जाए 20, एक्स प्लस 10 और एक्स प्लस, और ये फोर्थ वाला जो है वो आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट।